भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन करीब है। जो भाई शहर में रहते हैं उन्हें तो उनकी बहन राखी बांधकर रस्म तो पूरी कर देती हैं, लेकिन ये देश में तमाम ऐसे भाई हैं जो देश की सरहद पर तैनात होकर हम सब की रक्षा करते हैं। ऐसे जवानों को रक्षाबंधन के त्यौहार भी अपने घर जाकर अपनी बहन से राखी बनवाने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वह इस दिन काफी निराश होते हैं। ऐसे जवानों की मनोकामना पूरी करने के उद्देश्य से बुधवार को अयोध्या दास इंटर कॉलेज में छात्राओं द्वारा राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने अपने हाथों से बनाई राखियों को पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे को सौंपकर उनसे देश की सरहद पर तैनात जवानों तक पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर अयोध्या दास इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रेमी यादव सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, लेकिन अपने हाथ से बनाए वो प्रतियोगिता भी आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और जो भी स्कूल के टीचर्स होते हैं, और जहाँ टीचर्स नहीं उन लोग को मैंने किया, भले कि वो प्रतियोगिता के तहत राखी बनाए तो अपने हाथ से बनाए, खरीद के तो कोई भी दे सकता है। इसलिए मैंने ये प्रतियोगिता रखा कि बच्चे सोचे कि हमारा देश क्या है, देश हमारा महान कैसे बनेगा। देश हमारा महान तभी बनेगा जब हमारे सैनिक पूर्ण दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए, पूरा देश उनका परिवार है, इस सोच के साथ उस परिवार से जुड़ने के लिए, ये परिवार हमारा है वो करें, और सारी बेटियां उनकी बहनें हैं, ये राखी ही नहीं ये आशीर्वाद है, और इसको ले जाके बॉर्डर पे जाता है, बॉर्डर के लोगों को मैं स्वयं भी जाती हूँ, जगह जगह की टीचर्स लोगों को भी मैं आमंत्रित जहाँ से आता हूँ उसको करती हूँ, बच्चियां जाती हैं और अपने हाथ से भी तिलक लगा उन्हें राखी बांधती है, और उस राखी बांधने के बाद इतना अच्छा अच्छा स्लोगन भी ये लोग लिखती हैं, और बहुत खुशी होती है हमारे सैनिक भाई उसको पढ़ते हैं, और कितने तो सजो के रखते हैं कि देखो हमारे लिए मेरा देश माँ भारती मेरी माँ है, तो ये देश हमारे पूरा परिवार इस दृढ़ता के संकल्पता को और मजबूती के साथ ये राखी का जो त्यौहार है उसको लोग मनाते हैं।